हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ इन स्मॉल टाउन में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के चीले की सब्ज़ी। ये बहुत आसान है। ये देखिए, बेसन में हल्दी और नमक डालकर पतला सा घोल बनाया, तवे पे तेल डाला और उसे फैला दिया। अच्छे से उसे पतला सा फैलाएंगे और कुछ देर ऐसे ही पकाएंगे। पूरी तरह से ऊपर नहीं पकाएंगे, जब हल्का गीला ही होगा तभी इसे पलट कर रोल कर देंगे। इसी तरह सभी चीले को बना लेंगे। जब सारे चीले बन जाएंगे तो उन्हें छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसे साइड में रख देंगे सभी चीले को। मसाला में हम लेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लौंग, दालचीनी, जीरा, लहसुन, ये सभी मसाले लेंगे। प्याज और टमाटर को छोड़कर बाकी सभी मसालों को सिलवट्टे पे पीस लेंगे। और ये है सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च और सब्जी मसाला। तड़के के लिए जीरा, लाल मिर्च और तेज पत्ता। सभी जो प्याज टमाटर को छोड़ के सभी मसाले जो थे, लहसुन, दालचीनी, लौंग, जीरा, सबको सिलवट्टे पे अच्छे से पीस लेंगे। फिर टमाटर को काट के अलग करके रख देंगे। फिर तेल लेंगे कढ़ाई में, उसमें तड़का वाला सारा डाल देंगे, जीरा, तेजपत्ता और लाल मिर्च। अच्छे से पकाएंगे, फिर प्याज डाल देंगे। प्याज को भी कुछ देर भुनेंगे। ये सभी जो है कुछ देर तक भुनने के बाद, जब 5 से 10 मिनट बाद ये थोड़ा कलर बदल जाएगा। ये देखिए, अब इसमें हम वो पीसे हुए मसाले और टमाटर डाल देंगे। इसे कुछ देर चलाते हुए भुनेंगे। मसाले भुन गए हैं, ऊपर देखिए तेल भी आ गया है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी मेरी बहन ने। पानी डालने के बाद उसे कुछ देर खोलने देंगे। जब ये पूरी तरह से उबलने लगेगा तो इसमें सभी चीले को डाल देंगे और डालने के बाद कम आंच पर इसे पकाएंगे। कुछ देर पकाने के बाद ये तेल ऊपर आ जाएगा और ये थाली रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।